क्या आपको पता है मुंबई का फेमस वड़ा पाव सेंटर जो कि इंटरनेट पे वायरल हो रहा है? हाँ, अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश और हम चल पड़े हैं मुंबई का फेमस वड़ा पाव सेंटर विजिट करने के लिए। मैं स्टेशन पर आ गया हूँ और आपको मुंबई की तरफ यानी CST की तरफ जाने वाली ट्रेन लेनी है सेंट्रल लाइन से। ये देखिए, ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी तो मैंने दूसरी ट्रेन आने का इंतज़ार किया। ये रही दूसरी ट्रेन और मैं चढ़ गया ट्रेन में। सीट भी खाली थी तो आराम से मैं बैठ गया और सोचा कि क्यों ना आपको मुंबई लोकल ट्रेन से अच्छे अच्छे व्यू दिखाए जाए। तो ये देखिए, दोस्तों मैं दादर स्टेशन पे पहुंच गया हूँ। ये देखिए दादर स्टेशन सेंट्रल लाइन से। दोस्तों दादर स्टेशन में उतर चुका हूँ और अब यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से बाहर निकलना है। बारिश ज़्यादा थी और मैं यहाँ स्लिप हो गया। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों हम स्टेशन के बाहर आ चुके हैं तो क्या आपको पता चला हम कहाँ जा रहे हैं दादर में? नहीं पता चला तो मैं बताता हूँ। दोस्तों हम जा रहे हैं दादर के फेमस वड़ा पाव सेंटर, अशोक वड़ा पाव सेंटर पे, जो उसकी हाइप बनी हुई है। चलिए देखते हैं क्या वो रियल है। दोस्तों हम पैदल ही ये दूरी तय करने वाले हैं, थोड़े पैरों को एक्सरसाइज क्यों ना दिया जाए। तो चलिए चलते हैं। आपको अशोक वड़ा पाव का मैप लगा लेना है आपके मोबाइल में और ये अप्रॉक्सीमेट 1.4 किलोमीटर है। आपको इसको तय करने के लिए 15 से 20 मिनट लगेंगे। आपको मैप में दिखाए गए डायरेक्शन को फॉलो करना है। आप चलिए, मैं डायरेक्ट मिलता हूँ आपको अशोक वड़ा पाव सेंटर पर। दोस्तों हम फाइनली अपने स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, यानी कि अशोक वड़ा पाव सेंटर। आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ये क्यू लगी हुई है। ये लगे हुई है वड़ा पाव लेने के लिए और काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे वड़ा पाव खाने के लिए। जो ये बाजू में आप गाड़ियां देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, इसमें भी काफी लोग हैं, मतलब जो कि खाने के लिए आए हैं, वड़ा पाव टेस्ट करने के लिए आए हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे कुछ लोग वड़ा पाव ले रहे हैं। ये रही इनकी स्टॉल। तो चलिए हम भी खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं काफी लंबी लाइन है, ये लगभग 30 से 35 लोग मेरे आगे खड़े हुए हैं। दोस्तों 30 से 40 मिनट में आपका नंबर आएगा। अब मेरा नंबर आने वाला ही है। दोस्तों मेरा नंबर आ गया है और मैंने अपने वड़ा पाव पार्सल करा लिया है। दोस्तों यहाँ से 2 से 3 मिनट की दूरी, अप्रॉक्सीमेट 300 मीटर्स की दूरी पर ही आपको दादा चौपाटी मिल जाएगा और जहाँ पर आप आपके फूड को एंजॉय कर सकते हैं, फूड को खाते खाते एक सुंदर सा व्यू देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दादा चौपाटी। दोस्तों अब हम आ गए हैं दादा चौपाटी। यहाँ पे बहुत जोर की हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये चौपाटी लगभग खाली है, यहाँ पर बाकियों की चौपाटी या बीच के मुकाबले भीड़ काफ़ी कम है। और जो कि ये संडे का दिन है तो आप प्लान कर सकते हैं आपके वीकडेज या फिर वीकेंड पर यहाँ पे विजिट करने के लिए। देखिए कितना सुंदर प्यारा व्यू है। आपको यहाँ से बांद्रावली सीलिंग भी दिख रहा होगा। देखिए वीडियो में कैप्चर तो नहीं हुआ, आपको गाड़ियाँ भी चलते हुए दिखेंगी यहाँ पर। देखिए कितना अच्छा सुंदर प्यारा व्यू है, कितना ब्यूटीफुल। अगर आप दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो एंजॉय करेंगे। दोस्तों ये रहा वड़ा पाव और इसके साथ चूरा भी दिया है जो कि खाने में काफ़ी क्रंची था और अच्छा स्वाद था। इट वॉज सो डिलीशियस। अगर आप यहाँ आए तो ये दोनों चीज़ें ट्राई करें, वड़ा पाव और साथ साथ में ये व्यू देखते हुए खाना। चलिए दोस्तों आपको मिलता हूँ।